तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल राइट टू नो और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेंबर पासबुक पोर्टल की प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि कैसे आप मेंबर होम का जो पोर्टल है वहाँ पर आप कैसे लॉगिन करेंगे और उसके बारे में आ, मैंने आपको डीपली बताने की कोशिश भी करी कि एग्जैक्टली exactly कौन कौन से फंक्शंस आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं तो आज हम यहाँ पर मेम्बर पासबुक जो पोर्टल है उसके बारे में जानेंगे लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को, है, को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें आपने क्या करना है गूगल पर जाना है सर्च करना है में पासबुक जब यहां पर आप सर्च करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन यहां पर ई पी एफ ओ मेंबर पासबुक का दिखता है जहां से आप क्लिक करने पर आप इस अकॉर्डिंग पहला जो मैं ऑप्शन बता रहा हूं सर्च करने का आप इस अकॉर्डिंग यहां पर सर्च कर सकते हैं सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप जाएंगे गूगल पर सर्च करेंगे ई पी से आप सर्च जब करते हैं तो यहाँ पर ई की मेन वेबसाइट दिखती है जहाँ पर सेकेंड यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आप जो है मेम्बर पासबुक का जो दिख रहा है उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेज यहाँ पर हो जाता है तो आप इस तरीके से दो तरीके हैं मेंबर पासबुक पोर्टल ओपन करने के जो मैं आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर आपको इस अकॉर्डिंग यह पेज देखने को मिलता है मेंबर पासबुक का जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक आपको देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर पहला लिंक जो है वो दिया गया है कि मेम्बर पासबुक द मेंबर रजिस्टर ऑन यूनिफाइड पोर्टल जो है उसमें मेंबर का रजिस्टर होना ज़रूरी है दूसरा यह है कि पासबुक विल बी अवेलेबल आफ्टर सिक्स आवर ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि छः घंटे के रजिस्ट्रेशन बाद आप यहाँ पर जो है पासबुक अपनी देख सकते हैं थर्ड में ऑप्शन में ये है कि कोई भी अगर आप चेंजेस करते हैं ई के पोर्टल पर तो आपको सिक्स यानी कि छह घंटे बाद आपका जो है यहाँ पर आप अपनी पासबुक देख जाएंगे फोर्थ ऑप्शन में आप यहां पर देखेंगे कि जो पासबुक है वो आप रिकनसाल कर करा सकते हो ई फील्ड ऑफिस से एंड फोर्थ ऑप्शन ये है कि पासबुक फैसिलिटी नॉट बी अवेलेबल फॉर एग्जाम्पटेड इस्टेब्लिशमेंट यानी कि जो एक्जाम्पेड स्टैब्लिशमेंट है उनके लिए पासबुक अवेलेबल नहीं है और इसी के बगल में आपको राइट हैंड साइड पर यहाँ पर आपको यू एन डालना होता है उसका पासवर्ड और यहाँ पर कुछ नंबर का डिफ्रेंस एंड लॉग इन करके आप अपनी यहाँ पर पासवर्ड चेक कर सकते हैं उसी के नीचे आपको यहाँ पर मिलता है मेम्बर ई सेवा पोर्टल का लिंक उसके नीचे ग्रेविंस जो आप कर सकते हैं उसका लिंक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एंड थर्ड जो ऑप्शन है यहाँ पर ई पी एफ ओ का जो है मेन लिंक यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इसी के बगल में यहाँ पर आपको मिल जाता है उमंग एप्लीकेशन और इसी के नीचे यहाँ पर ई पी एफ ओ अकाउंट बैलेंस एंड स्टेटमेंट चेक का यहाँ पर कुछ एस एम एस के थ्रू और जो यहाँ पर इनका नंबर है वो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं लेकिन कभी कभार ये मिलता नहीं है तो आपको डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जैक्टली exactly, ये कभी कभी वर्क करता है कभी कभी नहीं करता है तो थोड़ा सा आ, कह सकते हैं कि डाउटफुल रहता है तो आप अब क्या करेंगे यहाँ पर जैसे मेन पेज में दिखा रहा हूँ अब यहाँ पर हमें करना है लॉग जो मैंने प्रीवियस में बताया कि मेंबर होम पोर्टल पर जाना है वहाँ पर आपको अपना यू एन एक्टिविट कर सदरना है यू एन एक्टिविट करने के बाद आपको पासवर्ड जनरेट हो जाता है तो उसी पासवर्ड को यहाँ पर भी आप यहाँ पर पासबुक वाले जो पोर्टल है यहाँ पर आप ट्राई करेंगे और यहाँ पर अपना यू ए नंबर पासवर्ड यहाँ पर जो नंबर का कर डिफ्रेंस करने के बाद यहाँ पर आप लॉग इन करेंगे लॉग इन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपकी पासबुक का जो मेन पेज है वो यहाँ पर देखने को मिलता है जहाँ पर आपका नेम सबसे पहला होगा उसके नीचे यहाँ पर आपका यू ए नंबर होगा पैन कार्ड नंबर होगा अगर आपका पैन कार्ड यहाँ पर अटैच नहीं है तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कृपया अपना पासवर्ड सॉरी पैन कार्ड जो है अपना अटैच करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसके बाद नीचे जो है यहाँ पर अपनी आई यानी कि मैंबर आई डी सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन मिलता है अगर आपने मल्टीपल कंपनीज में काम किया है तो यहाँ पर आपको मेंबर आई भी डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलने वाली है तो जब मैंने एक आईडी को सेलेक्ट किया है जहाँ पर आप अपनी पासबुक देख सकते हैं यहाँ पर अपना क्लेम का जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं और पासबुक यहाँ पर आपको जो न्यू तरीके से जो जो मिल रही है वो भी यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेलेक्ट मेंबर आई में आप अपनी अगर कोई अदर कंपनीज है वो सेलेक्ट करके भी सेम ऑप्शन को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं किस अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी पासबुक चेक देख रहा हूँ क्लेम स्टेटस चेक कर रहा हूँ न्यू पासबुक चेक कर रहा हूँ इसी के नीचे आपको यहाँ पर अपनी पासबुक को जो है डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिलता है डाउनलोड पासबुक में और आप अपनी पासबुक को प्रिंट भी करवा सकते हैं और इसी के जो आप देखेंगे राइट हैंड साइड पर हाउ टू हाउ इज द कैलकुलेट इंटरेस्ट कैलकुलेटेड यानी कि आप अपना इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पर पीडीएफ हाँ जो है फॉर्मेट्स आपको देखने को मिलता है तो आप उस तो फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं कि एग्जैक्टली exactly जो इंटरेस्ट रेट पे है वो किस अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेशन होती है तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये मेंबर पासबुक जो मैंने पोर्टल आपको एक्सप्लेन किया है इसके फंक्शंस के बारे में आपको पता लग गया होगा एग्जैक्टली exactly आपने इसे कैसे यूज़ करना है और आप इस पोर्टल को है कहाँ से सर्च कर सकते हैं तो दोस्तों आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बवाई अगर आपकी इसके रिलेटेड कुछ भी क्वारी होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन कर जाके ज़रूर बताएं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें